दोस्तों, क्या आपने रियल में कभी ये वाला शंख देखा है? ये है पांच जन्य शंख जो विष्णु जी अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, और इसी शंख को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले बजाया था। दोस्तों, हम सभी बचपन से शंख की ध्वनि सुनते आ रहे हैं, कभी मंदिर में, कभी आरती के समय, कभी पाठ पूजा के समय, पर 90% लोग नहीं जानते कि शंख बजाने से एक्चुअल में क्या होता है। कहते हैं अगर शंख को कान के पास में लाकर सुनो तो समुद्र के बहने की आवाज सुनाई देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा है कि पूरी सृष्टि का साउंड शंख में आकर स्थित हो जाता है। शंख जाने से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो हमारे आसपास की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। शंख बहुत ही डिवाइन यंत्र है जिससे कि हमारा और हमारे सराउंडिंग्स का भी प्योरिफिकेशन होता है। पूजा के प्रारंभ में शंख बजाने से ये देवी देवताओं की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। शंख का साउंड बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। शंख में रखे हुए जल में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दोस्तों, अंधविश्वास ना मानकर आप भी अपने घर में जरूर शंख बजाइए, और अगर आपने पांच जन्य शंख कभी रियल लाइफ में देखा है तो जरूर बताइए। हर हर महादेव।